जन विकास पार्टी सेकुलर द्वारा लोकसभा चुनाव में गोरखपुर से उम्मीदवार उतार रही है। सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी के मूल विचार, उद्देश्यों तथा संकल्प पत्र और पार्टी के उम्मीदवार श्री नाम प्रकाश श्रीवास्तव को गोरखपुर सदर से प्रत्याशी घोषित किया गया। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जन विकास पार्टी सेकुलर प्रत्याशी श्री नाम प्रकाश श्रीवास्तव ने कहा, आज हम जन विकास पार्टी सेकुलर की तरफ से प्रेस वार्ता आयोजित की गई है, जिसमें मैं विपिन बिहारी श्रीवास्तव जिला अध्यक्ष इस प्रेस वार्ता को आयोजित कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम ये घोषणा करते हैं कि कल दिनांक 21/4/2019 को होटल प्रगति इन में एक प्रबुद्ध जन की बैठक कराई गई थी, जिसके अंतर्गत हमारे संकल्प पत्र की प्रति जागरूकता और विचार विमर्श चर्चा का विषय आयोजित था, जिसके पश्चात एक संकल्प पत्र तैयार किया गया था और उसके पश्चात कैंडिडेट इस 2019 के संसदीय चुनाव में गोरखपुर से एक प्रत्याशी अपने पार्टी से उतारने का प्रयास किया गया है, जिसके लिए हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री नाम प्रकाश श्रीवास्तव, उन्हीं का नाम प्रस्तावित किया गया है, जो दिनांक 26/4 को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इस क्रम में हमारा जो विशेष मुद्दा है जिसको लेके हम इस पार्टी का गठन किया गया है, उसमें मुख्य रूप से यही है कि जो अधिकार क्षेत्र है जिसका निराकरण उच्च अधिकारियों के लेवल पे होता है, उसको सतही स्तर पे किया जाए, ब्लॉक लेवल पर छोटे छोटे सचिवालय बनाकर किए जाएं, सारी सुविधा सचिवालय मतलब मिनी सचिवालय के रूप में ब्लॉक लेवल पे कर दिया जाए, जिससे उसका जो प्रशासनिक ढांचा है उसमें आमूलचूल केंद्रित कर दिया जाए और सबकी जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। अभी तो हमारा चूँकि शुरुआत है और गोरखपुर से ही हमारे एक प्रत्याशी अभी मैदान में आ रहे हैं और हम निकट भविष्य में चूँकि अभी आगे चल रहा प्रक्रिया, तो संभवतः आगे भी प्रत्याशी बढ़ा सकते हैं। क्या लगता है कितनी टक्कर मिलने वाली है जहाँ प्रत्याशी मैदान में रविशन हो चाहे राम गोपाल जी? देखिए, हमारा जो सिद्धांत है और हमारी जो सबसे बड़ी चीज़ है सादगी है। हम किसी भव्य या स्टार से अपनी तुलना नहीं करते, इसलिए हम जनता के बीच के आदमी हैं, हम जनता के बीच में जाके इलेक्शन लड़ने के लिए आए हुए हैं, हम ठोपे नहीं गए हैं, हम स्टार नहीं हैं, हम जनता के बीच से उभर के आए हैं, जनता के रिकमेंडेशन पे हमें यहाँ पार्टी को बुलाया गया है और हम लोगों ने गठित किया है, इसलिए हम जनता की आवाज़ बन के उनके सामने आ रहे हैं। हमें इस बात का भय नहीं है कि रवि किशन जी हैं या और कोई स्टार इस तरह से, या बाहुबली है या आर्थिक रूप से बहुत समृद्ध है, तो उससे हमें कोई कंपैरिजन नहीं है। मैं सिर्फ सेवा भाव से इस कार्य को करना चाहता हूँ, सेवा भाव के प्रति जो रिजल्ट आएगा उसी के आधार पे हम इसको जीतना चाहते हैं और जनता का अपार जन समर्थन भी मेरे पास है। जीत की जहाँ तक बात है, हमको यह उम्मीद है कि हम 1,20,000 से ज़्यादा वोट पा करके नहीं, इससे डिफरेंस से जीतेंगे। लगभग 1,20,000 के आसपास हमें उम्मीद है कि इससे धनात्मक रहेंगे हम।